नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। हरदोई लोनार में श्रीमद् भागवत कथा का असलापुर धाम से पधारे सुप्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य अनूप ठाकुर महाराज के द्वारा हुआ शुभारंभ। भागवत कथा शुरू होने से पूर्व गांव के मुख्य मोहल्लों एवं मंदिरों में होकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों पर बज रहे भक्ति गीतों पर महिला व पुरुष भक्ति गीतों पर नाचते गाते हुए साथ चल रहे थे। कलश यात्रा गांव के जिस मोहल्ले से होकर गुजरी वहीं पर पुष्प वर्षा कर जोशीला स्वागत किया गया। मध्याकाल बेला में भागवत कथा को सुनाते हुए कथा व्यास अनूप ठाकुर जी महाराज ने कहा कि जो भागवत कथा है वह साक्षात कृष्ण है और जो कृष्ण है वही साक्षात भागवत है। भागवत कथा कलिकाल में तीनों ताप का नाश करने वाली, भक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। भागवत की महिमा सुनाते हुए कहा, एक बार नारद जी ने चारों धाम की यात्रा की लेकिन उनके मन को शांति नहीं हुई। नारद जी वृंदावन धाम की ओर जा रहे थे तभी उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती की गोद में दो बुजुर्ग लेटे हुए थे जो अचेत थे। युवती बोली, महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं जिनके नाम ज्ञान और वैराग्य हैं। यह वृंदावन में दर्शन करने जा रहे थे लेकिन ब्रज में प्रवेश करते ही ये दोनों अचेत हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, आप इन्हें जगा दीजिए। इसके बाद देवऋषि नारद जी ने चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण व गीता पाठ भी सुना दिया लेकिन वह नहीं जागे। नारद ने यह समस्या मुनियों के समक्ष रखी, ज्ञान वैराग्य को जगाने का उपाय पूछा। मुनियों के बताने पर नारद जी ने हरिद्वार धाम में आनंद नामक तट पर भागवत कथा का आयोजन किया। मुनि कथा व्यास और नारद जी मुख्य परीक्षित बने। इससे ज्ञान और वैराग्य प्रथम दिवस की ही कथा सुनकर जाग गए। महाराज जी ने कहा कि भागवत कथा से धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त हुआ है, इसी के साथ अनु महाराज जी के द्वारा परीक्षित जन्म की कथा सुनाई गई। कथा को सुनने के लिए आयोजक मनोज सिंह राठौर, श्री कृष्ण सिंह राठौर, सुखपाल सिंह राठौर, बलराम सिंह राठौर समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।